लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज बन गया लौरियां दी जाने लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज लौरियां दी जाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो, और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा, और मैं मौजूद हूं यहां पर जलानी पार्क में एक नए दिन और एक नई एपिसोड के साथ। तो यहां पर आई क्राउड से मैं करने जा रही हूं कुछ मस्ती, हल्ला गुला भी करेंगे और कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या बनना चाहते हैं और उनके क्या गोल्स हैं। तो आज का पहला सवाल शामिल करेंगे, भाई बहुत ठंड है यहाँ पर, आई होप कि आप ठंड में जो है सर्दी में फुल सर्दी में घर में एंजॉय कर रहे होंगे आप, और इस ठंडे मौसम में तो खाने पीने का तो बहुत ही दिल चाहता है और मेरा भी दिल चाह रहा है कुछ खाने को। लेकिन उससे पहले ज़रा सवाल शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल ये है आज का, ऐसा कौन सा परिंदा है जो बगैर परों के होता है? भाई ये कौन सा परिंदा है, यहाँ पर आई क्राउड से मैं ये सवाल करूंगी। और दूसरा सवाल ये हम शामिल करेंगे, आज सवाल नहीं आज पहेली शामिल कर लेते हैं, और वो पहेली है मुंह खोला क्या शक्ल बनाई, शुक्र किया जब भी वो आई, अरे ये क्या चीज है। तो आइए जरा यहाँ पर क्राउड से ये सवालात करते हैं, और होगा पहेलियों का भी तड़का, होंगे ढेरों इनामात भी। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद हफीज। और करते क्या आप? मैं होटल पे काम करता हूँ। अच्छा, तो लाहौर से हैं आप? जी एबटाबाद हजारा। एबटाबाद हजारा से हैं आप, ओके। और सवाल करेंगे आपसे, ऐसा परिंदा जो बगैर परों के होता है, ये कौन सा परिंदा हो सकता? वो नहीं मालूम। हाँ नहीं मालूम। नहीं पता आपको? नहीं। चले ठीक है, 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा आपने? जी देखा। उसके ऊपर वो 10 कितनी बार लिखा होता? उसके ऊपर 3 दफा लिखा होता। नौ? नहीं पता। कोई आइडिया नहीं? नहीं। तो घूमने फिरने आए यहाँ पर? जी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है आपको। चले जी ठीक है, क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? मैं नात पढ़ने तिलावत करना चाहता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وَفَجَلَهُمْ قَاسِمْ مَكُول। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से है ये जी आपके लिए गिफ्ट टाइम पर, बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और ये एक होटल पर काम करते हैं, और उनकी ख्वाहिश थी वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं जी भाई आपसे भी बात करेंगे हम, और वो मुझे तलावा सुनाना चाह रहे थे। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अबीरा मुनीर। और अबीरा करती क्या है? मैं BS मैस कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ओके, तो क्या आगे प्लान्स, क्या फ्यूचर्स प्लान? इंशाल्लाह एंकर का है, और इसके अलावा मैंने काफी इंटर्नशिप्स भी की हैं टीवी पे, वहाँ से करके आई हूँ रिसेंटली, तो इंशाल्लाह आगे यही मेरा एम है कि मैं एंकर बनूँ। चले जी, आई होप कि आपकी जो ख्वाहिश है पूरी हो। सवाल करेंगे आपसे, एक ऐसा परिंदा है जो बगैर परों के होते, उसके पर नहीं होते, ये कौन सा परिंदा है? चॉइस नहीं मिलेगी ऑप्शन वगैरह? नो ऑप्शन। कौन सा परिंदा है? उसके पर काट दे तो वैसे भी थोड़ी वो नहीं उड़ेगा ना, उसके पर काट देंगे। बगैर परों के होता है फिर भी वो उड़ता है। अच्छा पता नहीं, फिर मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं? नहीं आइडिया नहीं। आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, यू हैव टू से 10 times। वो इतना लंबा ना, कुछ और भी लगा लेना। चले अब्दुल गोल गपंगम कहना है। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल अब्दुल गोल पगम पता, कुछ और बोल दो। कच्चा नहीं 10 times। अरे ये रिकॉर्ड हो रहा है, 10 times कहना है आपने। मुझे नहीं हो रहा। आप ट्राई तो करो ना, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल पग क्या गपंगम? अब्दुल गोल गपम गपम अब्दुल गोल गपम अब्दुल गोल पता नहीं क्या। ट्राई रहने दें, गाना सुन लेते। क्या शेयर क्या करेंगे आप? कोई गाना सुना देते।
जी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिलाके दिल दियां गल्लां। बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं भाई हमारे साथ क्यूट सी लड़की मौजूद थी और गाना गाया उन्होंने और टंग ट्विस्टर नहीं हुआ भाई उनसे, कोशिश ही नहीं करते भाई। और भाई उनकी ख्वाहिश एंकर बनना चाहती हैं वो, तो आइए यहाँ पर देखते हैं जलानी पार्क में कितना टैलेंट है, तो आइए मेरे साथ टैलेंट को ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? कामरान नाम है। शुएब हुसैन। तो आप लोग करते क्या है? मैं स्टडी करता था, फिलहाल फारिक हूँ, अभी बिजनेस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो फारिक ऐसे में बिजनेस कर रहे हैं भाई आप? जी बिजनेस कर रहा हूँ, स्टडी से फारिक हो गया हूँ मैं। गुड, ऐसे कहते हैं। और आप क्या करते हैं? फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं, तो आगे क्या प्लान किया? आगे खुद का कारोबार। खुद का कारोबार करना है। ओके, तो लाहौर से आप? नहीं, हमारा ताल्लुक बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से है। मेरा ये छोटा भाई है, मैं यहाँ सामान वगैरह लेने आया था, मैं बिजनेस करता हूँ, ये यहीं पे पड़ता है, हॉस्टलाइज है जी। तो आप लोग क्या ब्लड रिलेशन है? जी जी ब्लड रिलेशन है, मेरा चाचू का बेटा है। ओके, गुड हो गया। आप दोनों से सवाल करेंगे कैसा परिंदा है जो बगैर परों के होता है भाई, ये कौन सा परिंदा है? बगैर परों के होता है यानी उड़ता है कि नहीं? बगैर परों उड़ता है। ख्याल? नो नो, ये ख्याली परिंदा कौन सा होता है? वही है। परिंदा ही है वो। हाँ, परिंदा ही है, उड़ता है। चकोर। आपसे पहेली करवा लेते हैं, ठीक है, अगर आपको आ गई तो। पहेली ये है, मुंह खोला शक्ल बनाई, शुक्र किया जब भी आई। ठीक, एग्जैक्टली यही था, क्योंकि मुंह खोला और जब भी आती शुक्र अदा करते हैं। ठीक है, और आप लोग दोस्त हो दोनों, कितना अरसा हो गया? दोस्त भी समझ लो, कजन भी है आप इसमें, बहुत सारा अरसा हम साथ ही रहे, अभी भी साथ ही घूम रहे हैं लाहौर में। उधर गिल बल्तिस्तान में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी, बर्फ़ पड़ गया था, हमने सोचा चलो लाहौर का चक्कर भी लगाते हैं, साथ बिजनेस वाला काम भी। आपको क्या लगता है इनमें क्या अच्छी आदत क्या है इसमें? ये गुस्सा नहीं होता। आपको इनकी जो आदत बहुत बुरी लगती हो? बुरी? झूठ बहुत बोलता है। झूठ बोलता है ये? तो किस किस्म का झूठ बोलता है? जब भी उसको बुलाओ ना, कहता है 5 मिनट में आता हूँ, ये घंटा डेढ़ घंटा लगा देता है। हाँ, तो घर वालों से तो नहीं झूठ बोलता? बोलता होगा घर वालों से। घर वालों से झूठ नहीं बोलता हूँ। अभी सामान वगैरह लेने आता हूँ, ये जब भी कॉल करता है तो मैं थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी कॉल करता ना, ये झूठ ही बोलता है, इससे सच के उम्मीद ना रखो। वो झूठ। अरे वाह वाह वाह, ये लड़ाई हो जानी अभी अभी। और शेयर क्या करोगे आप? हम गिल बल्तिस्तान से हैं, उस गिल बल्तिस्तान के हवाले से कोई गिल के बारे में कोई सॉन्ग सुना देंगे आपको। ठीक है, गुड। ये सब फूल एक गुलदान के हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हम बैठे हैं कोसारों में, बर्फीले मस्त नजारों के, हम साए चांद सितारों के, हम बैठे हैं कोसारों में। अरे जबरदस्त। और पता नहीं, आई होप कि हमारी ऑडियंस को समझ आई है या नहीं आई। उर्दू में ही था ये भी। ये उर्दू में था, बस मुझे वो इतना समझ आया, वो कोहिस्तान के बेटे हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। लाहौर न्यूज की तरफ से ये है भाई आप लोगों के लिए गिफ्ट। टाइम पर बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद थे कजन्स हैं ये, और उन्होंने एक दूसरे की भाई आदत भी बताई है, और उन्होंने ये बताया झूठ बहुत बोलते हैं। और बड़ी बात होती है भाई सच बोलना, आवाम सच नहीं बोलती है। तो आइए यहाँ पर, सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पर जलानी पार्क में, तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्राउड। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, नाम बता दे मुझे। अली मूसा हाशमी। और जाली, इसका नाम जाली है, निकनेम जाली। जाली होता है, जाली तो नहीं है। जाली मतलब असली नहीं ना, ये नकली वाला जाली है। ओके, और करते क्या आप लोग? हम स्टडी करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। बिजनेस है हमारा। बिजनेस है आपका, तो स्टडी नहीं की आपने? स्टडी की थी, सेकंड ईयर किया था, उसके बाद पापा के साथ जॉब पे। ओके, और आप दोनों से सवाल करेंगे, कैसा परिंदा जो बगैर परों के होता है, उसके पर नहीं होते हैं, ये कौन सा परिंदा है? डू यू हैव एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं। नहीं, मेरे ख्याल में वो परिंदा जो इसके बगैर पड़ों के उड़ता हो, वो परिंदा परिंदा ही है ना, मतलब लगने का असली? नहीं नहीं, असली परिंदा। अच्छा, असली परिंदा बतख? नहीं, उसके पर होते हैं। मुर्गी उड़ती है? बतख उड़ती है, कब का उड़ती है? वैसे बतख मिल रहा है, बतख जहाज पर होते हैं, होता परिंदों की तरह का ही है, लेकिन पर होते हैं। परिंदे, परिंदे का नाम बताना है। परिंदों का नाम इसको नहीं पता, नहीं पता, मैं कभी ज़ू नहीं गया। ओके, टंग ट्विस्टर करवाएंगे भाई आपसे। आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंची ऊंचे ऊंट की कुछ नहीं, दोबारा जरा बोलिएगा। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंटे ऊंच की पूंछ ऊंची, ऊंची कभी ऊंट ऊंचा, कभी पूंछ ऊंची। कभी का वर्ड तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची और कुछ कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंट नहीं, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ, कुछ ऊंट उल्टा ऊंचा। मुझे लग रही ऊंट सही लगता मुझे, ऊपर नीचे हो जा रहा है। ओके, और आप ट्राई करोगे? ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। एग्जैक्टली यही है। आपने 10 टाइम कहना है, फास्टली कहना। कितने टाइम, कितने 10 टाइम्स कहना। बहुत बड़ी बात है। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, बस इतना ही होगा। चलो ठीक है, शेयर क्या करेंगे आप? शेयर, मैं तो म्यूजिशियन हूँ और ये बेचारा दर्द दे दिल का मारा है, इसके लिए मैं गाता हूँ। इसके लिए गाते क्यों? क्या कोई ब्रेकअप हो गया? हो गया, खत्म हो गया, क्या कह सकते हैं। और आपके साथ तो नहीं कोई ऐसा सीन? होते रहते हैं, लेकिन मैं फील नहीं करता। फील नहीं करते हो तो उस सिलसिले में फिर आपने कहा कि चलें जी फिर इसको बजाना सीख लें। हाँ जी, अपने दुख यहाँ बांटे हम। हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये है आपके पास माइक? जी जी जरूर। ओके, इंतजार था तेरे प्यार का, बेकरार था तेरे प्यार का, दिल की लगन कुछ यूं लगी, रंगी ये शाम ढलने लगी, तेरे प्यार में जल रहा खामोशी, मेरी गुफ्तगू, मेरे रूबरू तुम ही तुम तो हो, जुदा क्यों हुए सोचता हूँ, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। गाइस, और आप लोग जो चाहते हैं आपकी ख्वाहिशात पूरी हो, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये लाहौर न्यूज की तरफ से ये है आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया। और देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पर दो स्टूडेंट मौजूद थे और भाई उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर जलानी पार्क में मौजूद हूँ और आई होप कि आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मजा आएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में, और जिलानी पार्क में आए क्राउड से मैं तो करें कुछ मस्ती और मजे मजे की बातें भी कर रहे हैं, और कुछ पहेलियों का भी तड़का है और कुछ ढेर है ना बात भी है, तो आइए आगे बढ़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम बता दे अपना। फैसल। सलमान खान। सलमान खान सर, वाओ क्या इम्प्रेस थे आप उनसे। मेरा नाम ही यही है। नाम ही यही है, पेरेंट्स ने रखा था। जी चलिए जी, नाम तो बहुत अच्छा है आपका। और सवाल करेंगे आप दोनों से, पहले मुझे बता दे करते क्या है। मैं जॉब करता हूँ। मैं इंटीरियर डिजाइनर। अच्छा, डिजाइनिंग का काम करते हैं, जबरदस्त। ठीक है ओके, और सवाल करेंगे ये कि ऐसा परिंदा है जो बगैर परों के होता है, ये परिंदा कौन सा है? बगैर परों के होता है, कोई जहन में नहीं आ रहा। तो है आइडिया आपको? ऐसा परिंदा जो बगैर परों के होता है, लाजमी होते हैं। आप ऑप्शन दें ना, मे बी सी। सर ऑप्शन नहीं है। कोई अभी जहन में नहीं आ रहा। चले, समंदर के ऊपर क्या होता है, कुछ पता है आपको? लहरें आई समंदर पे और क्या आएगा? नो, बगला होता है मेरे ख्याल। ये भी नहीं पता। सर आपने 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा हो? जी, ग्रीन कलर का होता है। इतनी गौर से देखा, ये भी बताओ अगर 10 कितनी बार लिखा होता है उसके ऊपर? 3 दफा। नो सर। 2 बार। नो सर, आपने कभी फिर गौर से नहीं देखा कभी? ये ज्यादा से ज्यादा 5 दफा लिखा होगा। ठीक है सर, दोस्त हैं आप? जी। कितना अरसा हो गया आपकी दोस्ती? 8 साल हो गए। माशाल्लाह से 8 साल बहुत होते हैं भाई, 8 साल। सर आपने बतानी है इनकी कोई अच्छी सी खूबी जो आपको लगता हो कि इनमें बहुत अच्छी ये क्वालिटी है इसकी। ये हम्बल है, यानी बर्दाश्त कर लेते, इसको कोई भी बुरी बात हो ना ये मतलब इग्नोर कर देता, बदीद नहीं होता, इनाय नहीं होता, एंग्री नहीं होता। अरे ये तो अच्छी बात है। सर आपको इनकी बुरी आदत बतानी है? इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। सर ऐसे नहीं हो सकता, कोई आपको लगता हो कि नहीं आपको इरिटेटिंग लगती हो? बस ये भी ट्रैक लगा रहा था तब। क्या ट्रैक पे क्या करते हैं? जब इसको ट्रैक लगा रहा था मैं कहता हूँ यार ना लगा, इग्नोर कर देते। फिर ये आपको आदत बुरी लगती है? इनको लगती है मेरी आदत, मुझे इसकी कोई आदत बुरी नहीं लगती। बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? ये बिल्कुल ठीक है, ओके है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। शेयर क्या करेंगे आप लोग हमारे साथ? शेयर मैं यही करूंगा, जो लोग भी यहाँ सैर करने के लिए आए हैं भरपूर इंजॉय करें, और आप कोई भी न्यूज़ चैनल के लोगों को देखें उनसे कंप्रोमाइज करें, और हर बंदे की रिस्पेक्ट जरूरी है बस। ठीक है सर, आप गाना चाहेंगे? ये ले, ये है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन किताबों में दिल नहीं लगता, जैसे सजनी की याद आई है। सर बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से ये आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका, और देख सकते हैं आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, और मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं कोशिश करती थी कहीं ये मुझे मिले, और फाइनली आज मुझे ये जिलानी पार्क में मिले हैं, तो इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, परिजात से बहुत ज़्यादा जो है आपको फेम मिला है, और यकीनन बहुत अच्छा एक ड्रामा है। जी मालिक का करम है, उसकी अता है और देखने वालों की मोहब्बत है। और सर कोई अच्छी सी पोइट्री कुछ सुनाया? पहले तो मैं देखने वालों को बताऊं, मैं अपनी बेगम साहब के साथ वॉक कर रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया है यहाँ। वो ये है कि किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐप देखो तो चुप ही रहना, अगर मनादी को लोग आएं तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग्जिशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो
वो कह रहा है कि चुप ही रहना। जबरदस्त सर, जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त आला सर। कुछ कोई पैगाम देना चाहें आप ऑडियंस को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिंदगी में कभी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। मुझे 28 साल लगे कमाली तक आने में, या पोइट्री जो आप सुनते हैं या जो मैं वीलॉग्स बनाता हूँ, सारी जिंदगी गुजर गई। तो शॉर्टकट नहीं होता कभी किसी चीज़ का। जिंदगी में सेठ बहरौस करीम किसी को नहीं मिलता, अपना खून आप खोद के पानी पीना पैंदा है। तो जिंदगी में कामयाबी से कामयाबी का इरादा करने और कामयाबी हासिल करने के दरमियान का हिस्सा जीना मत छोड़िएगा। इसमें इंजॉय कीजिएगा, चिल कीजिएगा। इस बच्ची ने मुझे पकड़ लिया, मैं अपने बच्चे का हार छड़ के अपनी बुढ़ी के नाल इतने वॉक करना आया था। इंजॉय यूर सेल्फ, enjoy your life, sorry. Thank you so much sir, thank you so much sir. It's very honor for me sir, thank you sir. और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से सर ये आपके लिए है गिफ्ट हैम्पर्स। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका सर, शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ इफ्तिखार इफ़ी साहब मौजूद थे और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। आई होप आपने इंजॉय किया होगा और मेरी ख्वाहिश थी उनसे मिलना, और क्योंकि मैं बहुत बड़ी उनकी फ़ैन भी हूं। और जैसा कि आप जानते हैं अभी उनका ड्रामा चल रहा था परिजाद, और बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर भी किया उसमें, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का हम ठीक ठाक। और नाम क्या आपका? आयशा। आयशा, आयशा आपने बिल्कुल सीधा देखना है। और आयशा पढ़ती हैं जी? कौन सी क्लास में? सिक्स। सिक्स क्लास में पढ़ती हैं आयशा? मुझे लगा आयशा होगी कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की स्टूडेंट। नहीं। ओके, और आयशा क्या प्लान्स के हैं आगे, क्या बड़े होके क्या बनना है? भाई अभी बच्ची हो, अभी बड़े हो ना। नहीं, सारा की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। अरे जबरदस्त। और आंटी आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची में क्या टैलेंट है? माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पढ़ती है, तो फर्स्ट आती है, इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी पढ़ेगी, पढ़ाई करेगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक। जबरदस्त। आप लोगों से सवाल कर लेते हैं। सवाल ये, एक ऐसा परिंदा है जो बगैर परों के होता है? बगैर परों के मच्छर? नो no. परिंदा परिंदा है। अच्छा अच्छा, नो no, नहीं समझ नहीं आ रहा हमें, कोई आइडिया नहीं है जी? No. सोचो ना थोड़ा सा। क्या परिंदा हो सकता है? परिंदा तो कोई हो जो आसमानों पे होते हैं, कौन से परिंदे होते हैं? उसका तो कोई पता नहीं, मुझे याद नहीं अब फिलहाल कुछ। कोई आइडिया नहीं है आपको? आंटी आप कुकिंग करती हैं? हाँ जी कुकिंग करती। क्या अच्छा बना लेती हैं? बिरयानी हम बहुत अच्छी बनाते हैं। बिरयानी अच्छी बनाती हैं, ओके। तो कोई अच्छी सी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर कर? हाँ जी, कोरमे की रेसिपी मैं बता देती हूँ। कोरमा सबसे पहले अच्छी तरह धो के तो फ्राई करना है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, उसके बाद मसाले डाल के दही डाल के उसके बाद फ्राई करके तो उसके बाद दाम पे लगा देना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इंशाल्लाह कभी मेरे हाथ का भी खाना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छी। और आप क्या शेयर करेंगे? सॉन्ग। ठीक है। रोटी है शब्ते रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा, सब कुछ है बिखरा 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 सा रूठा रूठा, चुप माही चुप है राजा, बोले कैसे बेना जा, बोले कैसे बेना जा, जा जा। ओ मेरा ढोला नहीं आया ढोला, वे मेरा ढोला नहीं आया ढोला, और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मेले, कहंदा कुछ ना बदला, झूठ बोले हर वेले। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये लाहौर न्यूज की तरफ से ये है जी आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं भाई हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और उन्होंने बहुत अच्छी जो है रेसिपी बताई है कोरमे की। आई होप आप घर में ट्राई करेंगे। तो इसी तरह से खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। तो आगे जरा आगे भी देखते हैं भाई यहाँ पर और क्या कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? अली सदीक। ओके, आपने बिल्कुल सामने कैमरे की तरफ देखना है। और आप करते क्या है? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं आप, कहाँ? लाहौर हाई कोर्ट में? कसूर में और लाहौर, दोनों जगह। ओके जी, जबरदस्त हो गया। आपसे सवाल करेंगे कैसा परिंदा है जो बगैर परों के होता है? ऐसा परिंदा, ये तो पापा की पढ़ी है कोई। नहीं, ऐसा परिंदा है जो बगैर परों के होता है, ये मुझे नहीं पता, सॉरी। ठीक है, और आपके लिए टंग ट्विस्टर है, ठीक है। और आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली, 10 times कहना है आपने। पतली लकड़ी पतली लड़की, और क्या कहना है? पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लकड़ी और पतली
पतली नहीं, आपने 10 टाइम ये ट्राई करना, ये फॉर्मेट है हमारा, पतली लड़की पहले सुन ले, पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लड़की लकड़ी पतली। चले जी जबरदस्त। और शेयर क्या करेंगे आप? मैं आपको पोइट्री सुना सकता हूँ। शेर है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे, हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तराशे में नहीं आएंगे। और वो कहता है कि मुख्तसर वक़्त में ये बात नहीं हो सकती, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। और आखिरी शेर है, जिस तरह से आपने बीमार से रुख्सत ली है, जिस तरह से आपने बीमार से रुख्सत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। जबरदस्त, गम ज्यादा है लफाफे में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, ये लाहौर न्यूज की तरफ से ये आपके लिए जी भाई गिफ्ट है। पर और ये भाई आजकल की जो हमारी आवाम है उन पर बहुत सूट करता है, और बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि जितने गम है आजकल के वाकई लिफाफों में कहाँ आने वाले हैं। तो कोशिश करें कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, और दूसरों के लिए तकलीफ़ों का बायस ना बने आप, और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। नाज़रीन, मैं यहां पर मौजूद हूं जलानी पार्क में, आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ पर तो काफी ज्यादा सर्दी हो गई है जलानी पार्क में, और यहाँ पर आए क्राउड से कर रहे हैं कुछ मजे मजे की बातें। तो आइए आके बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? अब्दुल रहमान ताहिर। सर करते क्या हैं आप? मैं स्मॉल बिजनेसमैन। अच्छा, बिजनेसमैन है आप। तो सर आपसे सवाल कर लेते हैं, आपने बताना है समंदर के ऊपर क्या होता है? समुंदर के ऊपर किश्ती होती है। ओह नो। नहीं सर, कुछ और भी होता है। आसमान। नौ। परिंदा। अब सवाल को समझे, समंदर के ऊपर क्या होता है? पानी। समंदर तो खुद इटसेल्फ पानी है ना। नहीं, नो आईडिया। कोई आईडिया नहीं आपको? चले मुझे बताएं, 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा है आपने? नहीं, कभी नहीं देखा। चले ऐसी कौन सी चीज है जो साल में सिर्फ हम एक बार खाते? कौन सी चीज है जो साल में सिर्फ एक बार खाते हैं? साल में एक दफा। ज्यादा ट्रिकी हो गया। यस। आपकी फेस एक्सप्रेशन बता रहे ज्यादा ट्रिकी हो गया आपके लिए। चले आप मुझे बताएं कुछ क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? मैं हमद शेयर करूंगा। ओके, ये है माइक। या नबी सलाम अलैका, या लावातुला अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलावातुला अलैका, हजा नबी सलाम अलैका। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये लाहौर न्यूज की तरफ से ये है जी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया, सवालों के जवाब तो आपने नहीं दिए लेकिन आपको तोहफा जरूर मिलेगा। और देख सकते हैं नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, मैंने उनसे सवाल किए लेकिन मुझे इतने मुझे वो इनोसेंट लगे, मैंने कहा नहीं सर मजीद सवाल नहीं होंगे भाई। तो आइए यहाँ पर आगे भी देखते हैं भाई, यहाँ पर लोगों से बातें करते हैं, वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं, उनसे जानते हैं वो पार्क में आए और इतनी सर्दी में इंजॉय कर रहे हैं या सिर्फ उनको सर्दी लग रही है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम है सैयद रजा गगानी। सर नाम तो बड़ा अच्छा है, क्या आप इंस्पायर हैं उनसे? नो नो नो, बाय बर्थ मेरा ये नाम है, मैं उनसे इंस्पायर नहीं हूँ, मैं अपने आप से इंस्पायर हूँ। अरे वाह सर, क्या लगता है आपको, क्या टैलेंट है आप? मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने जितने भी दुनिया में टैलेंट रखे हैं सब हैं। सब टैलेंट है। चले हमें भी बताएं भाई क्या टैलेंट है, वो जानेंगे टैलेंट भी जानेंगे, पहले सवाल कर लेते हैं। आपने मुझे बताना ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके पर नहीं होते? ऐसा कोई परिंदा नहीं है दुनिया में जिसके पर नहीं होते। सर है? आपको नहीं पता, वो एक अलग बात है। आई डोंट थिंक सो। बगैर परों के होता है वो? आई डोंट थिंक सो। कोई आइडिया नहीं आपको? चले बताएं समंदर के ऊपर क्या होता है? समंदर के ऊपर लहरें होती हैं। नहीं सर,
सर वो तो होती है ना, आपने सवाल नहीं समझा। समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के ऊपर पानी, पानी के ऊपर लहरें। चले और क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे साथ? मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि जो हमारा मुल्क है ये बहुत खूबसूरत है और इसको हमने ही खूबसूरत बनाना है, लेकिन हम इल्ज़ाम देते हैं हुक्मरानों पे। नहीं, जब हम लोग इसकी सफाई का और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखेंगे तो ये मुल्क खुद ब खुद खूबसूरत होगा। मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ लेकिन हमारे नॉर्दर्न एरिया जैसा ना कोई जगह पूरी दुनिया में है ना कोई होगी, लेकिन हमें इसका ख्याल रखना है। आई लव पाकिस्तान। जबरदस्त हो गया सर, कोई गाना वगैरह नहीं आता आपको? आता है। गाना सुनाए, ये ले माइक। जद मिल के बैठांगे ते गल्लां बहुत करनिया ने। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये है लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। आप कह रहे थे तोहफा नहीं मिलेगा, तो तोहफा आपको जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाई, उन्होंने कहा पूरी दुनिया उन्होंने घूमी है जी, उनमें टैलेंट टैलेंट आप देख लें भाई, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। चले आइए यहाँ पे देखते हैं भाई और कितना टैलेंट। आइए सर, नाम क्या आपका? अली शेर मुगल। ओके, और सर करते क्या हैं आप? मैंने MSc डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है। अभी मैं कंपिटेंसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे मतलब स्ट्रेस रिलीज़ करने आया हूँ, क्योंकि बहुत हैक्टिक रूटीन होती है, तो उसमें से आप कभी ना कभी टाइम निकाल के पार्क वगैरह में आते हैं अकेले या कोई साथ आ जाए, तो उससे यह काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है आपको। मतलब आउटडोर थोड़ा जब घूमते हैं तो नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी हैक्टिक सी रूटीन है। हमें नेचर के करीब रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, सवाल करेंगे आपसे, ऐसा परिंदा जिसके पर नहीं होते, परों के बगैर होता है वो? आपके इस क्वेश्चन को मैं फिलोसॉफिकली अगर लूँ ना तो मैं इंसान को वो परिंदा कहूँगा कि जो एग्जैक्ट आपने बताना है। आप फिलोसफी को छोड़े, वो उसमें बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन आपने जस्ट बताना है ऐसा परिंदा है एग्जैक्ट में कि जो परों के बगैर होता है, वो परिंदे का नाम बताना है आपने। बेसिकली जो परिंदे की डेफिनेशन है ना, उसमें आता ही ये है कि पर आते हैं लाजमी, बगैर पर के कोई परिंदा नहीं होता। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि इंसान है वो शहीन को टारगेट करता है कि जनाब वो बादलों में और ऊंचाइयों में रहता है, तो इंसान वो परिंदा जो परों के बगैर टारगेट करके अचीव करता है, क्योंकि वो अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत सी बेपनाह सलाहियतों से पैदा किया है, तो मेरे नज़दीक इंसान वो परिंदा है। आपने अपना जवाब बना लिया। जवाब बना लिया, अब आप इसे चले। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सवाल कर लेते हैं आपसे, समंदर के ऊपर क्या होता है? आप इसका जवाब दें, क्या है समंदर? सर मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ, मैं अपने सवालों के जवाब बता। देखे ना, अच्छा मैं बता देती हूँ, इसका होता है चमगादड़। अच्छा, चमगादड़ ऐसा परिंदा है? हाँ, उसके पर नहीं है, उसके बाजू होते हैं। नहीं, मेरे उसमें ना जनरल नॉलेज में इजाफा कर दिया, क्वेश्चन आ सकता है वैसे। खैर, थैंक यू। अच्छा ओके सर, हाँ दूसरा सवाल ये है समंदर के, अब देखा सवाल को फोकस करना है, समंदर के ऊपर क्या होता है? समंदर के ऊपर जाग होती है। ओह नो, आपने फिर नहीं सवाल को सोचा, आप फिलोसफी की बातें करें, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि समंदर के ऊपर क्या होता है? समंदर छोड़े सर छोड़े, आप छोड़े। मैं बताता हूँ ना, समंदर के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर जाग, सबसे ऊपर तो जाग ही है। ठीक है, मान लिया जाग नहीं होती है, लेकिन ये नहीं सर, ये भी नहीं सर, आपके लिए टंग ट्विस्टर है। ठीक है, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, यू हैव टू से 10 times फास्टली, ये माइक है। कितनी दफा कहना? 10 times। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। कितनी दफा हो गया? 9 दफा हो गया, एक दफा रह गया। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर क्या शेयर क्या करेंगे आप? शेयर में मेरा एक अपना जाती शेयर है, वो मैं शेयर करूंगा, पता नहीं आपको वो पसंद आता है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश, मुझे तो सब कुछ अच्छा लग जाता है, वहाँ पे जो ऑडियंस है वो देखती है आपको, उनको अच्छा लगना चाहिए। बातों से बात निकलती है, तुम कोई बात तो करो।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ये है लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मतलब यूँ कह सकते हैं कोविड के माहौल में जो है ना, आपने लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का एक समा क्रिएट किया है। ठीक है, मतलब कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिन पे नहीं हंसने वाली बातें थी, लेकिन आपने हंस के अवाम को यही तासर दिया कि हम बहुत खुश हैं, तो अच्छी बात है। कल को मतलब कोई सर्वे होता है वो मोस्ट हैप्पीस्ट नेशंस वगैरह में, तो उस सर्वे में मे भी पाकिस्तान का भी कोई अच्छा नंबर आ जाए। अभी फिनलैंड जो है ना वो टॉप पे आया, तो उसकी रीज़न यही है कि उनकी जो टॉप की चार मिनिस्ट्रीज़ है ना उस पर ख्वातीन बैठी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ख्वातीन ही मज़ा पैदा करने का बायस बन रही है, जिन्हें मतलब इधर हमारे कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज़ घर में बंद करके रखते हैं कि जी पर्दा चार दीवारी ये वो आगे पीछे, मतलब उनको क्या कहते हैं कि पूरा मौका नहीं देते अपने आप को जो है ना अपना टैलेंट शो करने का। ठीक है, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ या डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जिलानी पार्क में और आई होप आपने आज का शो इंजॉय किया होगा, और मुझे तो बहुत मज़ा आया है यहाँ पर आए क्राउड से और फैमिलीज कपल से बातें करके, उनसे चिटचैट करके, और साथ ही साथ उनके साथ कुछ मस्ती भी की है मैंने। आई होप आपने इंजॉय किया होगा आज का शो। और वक्त जो है मेरे प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है, और हमेशा की तरह मैं जो भी सवालात अपने प्रोग्राम में करती हूँ उन सवालात के जवाब मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ, और ये रहता है एक सस्पेंस, और इस सस्पेंस को मैं जा रही हूँ अब ख़त्म करने के लिए। तो आज पहला सवाल ये था कि ऐसा कौन सा परिंदा है जो परों के बगैर होता है, और ये परिंदा है चमगादड़। उसके पर नहीं होते, उसके जो होते हैं उसके बाजू होते हैं, बाजू के बल जो है वो उड़ती है, और लोगों को होता है कि शायद ये इसके पर हैं, उसके पर नहीं होते हैं। ये एक जनरल नॉलेज का ये सवाल था। और दूसरा सवाल मैंने ये किया था, समंदर के ऊपर क्या होता है, सिंपल सा सवाल था, और हमारी जो आई ऑडियंस है वो समझ रहे थे समंदर के ऊपर पानी होता है, समंदर खुद इटसेल्फ एक पानी है, और इसका जवाब ये था नुक्ता। और दूसरा सवाल ये शामिल कर लेते हैं, मैंने ये सवाल किया था कि समंदर के ऊपर क्या होता है, और यहाँ पर हमारी ऑडियंस सोचती नहीं है, और इसका जवाब मैं दूंगी अपने आने वाले प्रोग्राम में। और ये सवाल जो मैं फिर पूछूंगी दोबारा, ये होगा आपके लिए सस्पेंस। और एक पहेली मैंने ये पूछी थी, मुंह खोला और क्या शक्ल बनाई, शुक्र किया जब भी वो आई, उसका आसान सा जवाब था छींक। छींक जब आती है तो आप मुंह खोलते हैं और शुक्र अदा करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आए क्राउड से जब मैं बातें करती हूँ, जब मैं उनके बारे में जानती हूँ, और वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अपने गोल्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का शो मेरे लिए इसलिए ख़ास था, और मेरी ख्वाहिश थी इफ्तिखार इफ़ी साहब से मिलने की, और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए मैंने उनका इंटरव्यू भी कर लिया है। वो जाते जाते वॉक कर रहे थे और मुझे मिले, मैंने कहा सर आज तो आपसे बात हम करेंगे ज़रूर, और आपसे कुछ सुनेंगे भी, उनकी पोइट्री हमेशा बहुत अच्छी होती है, और आप जानते हैं जैसे कि अभी रिसेंटली उनका एक ड्रामा भी बहुत हिट हुआ है, और उन्होंने बहुत अच्छी उसमें उन्होंने अदाकारी भी की है। तो मेरे लिए बड़ी ख़ास और एक स्पेशल आप कह सकते हैं ये बात है कि मैं उनसे मिली हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। और मुझे कहते हैं जी महरीन फ़ातिमा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, महरीन फ़ातिमा ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, और ट्विटर अकाउंट पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो, ये आपका अपना शो है, 7 बजे आप देख सकते हैं लाहौर न्यूज़ HT पर। और हमेशा की तरह मैं आखिर में यही कहती हूँ, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, खुशियाँ बांटते रहें, और छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं वो इंसान के लिए बाइस से मुसर्रत बन जाती हैं। तो कोशिश करें आप दूसरों के लिए हमेशा भलाई करें, और लेग पुलिंग मत करें, तो दूसरों के लिए हमेशा खुशी का बाइस बनना चाहिए, और दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तो ये अपने लिए भी एक बुरी बात है। तो मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।